ग्राउंड जीरो से लगातार ताजा अपडेट हमें मिल रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे देखिए फोन भी देख रहे हैं, आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हर अपडेट आपको सबसे पहले जी न्यूज पर दे रहे हैं। विशाल, जिस तरीके से वहां पर फिलहाल स्थिति नजर आ रही है, एक बड़ा जो चुनौती है इसराइल के लिए वो इस समय बंधक संकट को खत्म कराना है। उसके करीब 100 से 150 नागरिक इस समय हमास के कब्जे में है। इस बंधक संकट को खत्म कराने के लिए क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं और आज सरकार की तरफ से क्या कोई पहल की जा रही है नेतन्याहू सरकार के लिए, ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया है उनको इसराइल की सरकार कैसे वापस लाती है, एक ये बड़ी चुनौती है। और क्योंकि कुछ सूचना इस बात की भी मिल रही है प्रणय कि विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में है, क्योंकि जो एक न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की तरफ से लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई देशों के नागरिक इस हमास के आतंकी हमले के शिकार हुए हैं और इन सब के बीच में कुछ जो विदेशी नागरिक हैं उनके भी बंधक बनाए जाने की सूचना है। तो सबसे चैलेंज इस वक्त तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के सामने यही है कि कैसे बंधक बनाए गए नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। कितनी संख्या है इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो स्थानीय नागरिक हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग 100 की संख्या में लोग होंगे जिन्हें हमास के द्वारा बंधक बनाया गया है। दूसरी बात, अगर हम इसराइल के एक्शन की बात करें तो देखिए अभी अभी जो जानकारी सामने आ रही है, बीती रात लगभग 200 जगहों पर गाजा पट्टी में खासतौर पर रिमाल और खान यूनिस के इलाके में इसराइल ने स्ट्राइक की है, जहां पर हमास के आतंकी निशानों पर जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार खान यूनिस में इस्लामिक जिहाद के साथ साथ जो सद्रोत का इलाका है वहां पर भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल पांडे आपका। जी न्यूज़।